Assalamu alaikum. All the student, I'm very hopeful that you all will be safe and fine. The topic which we will be starting, it's about same as we continued before the midterm about government budgeting, and more be concerned about the type of the taxes and objective behind the government budgeting. So I'm starting just about the introduction of the public finance. The task of the economic stabilization requiring keeping the economy from steering too far above or below the path of steady high employment. जो इसमें सबसे important question है या जो सबसे एक different word है, that is a steering. Steering का मतलब होता है deviation. अब पब्लिक फाइनेंस जो है ये एक इकॉनमी की वो एक्टिविटी है, या आप ये कहें कि ये एक वो टूल है या वो पैरामीटर है जो स्टेबलाइज़ करता है इकॉनमी को कहाँ से डेविएट होने में, बिलो एंड अबव. दो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट है, एक मिनिमम पॉइंट है, एक अबव पॉइंट है. इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से डेविएट, यानी आपके पास एक मीडियम पॉइंट है, उस पर ही स्टेबलाइज रहना है. अगर उससे बिलो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर उससे अबव जाएंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो उस डेविएशन से प्रिवेंट करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए पब्लिक फाइनेंस जो है इट्स वेरी हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल. वन वेज लाइज इन्फ्लेशन एंड अदर लाइज रिसेशन. ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स बताए हुए हैं यहाँ पर कि रिसेशन जो है वो बिलो है और इन्फ्लेशन जो है वो आपके पास अबव है. इन्फ्लेशन में होता क्या है, जनरल राइज इन प्राइस. एंड आप अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के पॉइंट को एग्ज़ाम्पल लें, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है तो वो इन्फ्लेशन जो है आपके पास अगर प्रिवेल कर जाएगी फॉर द लॉन्गिटिविटी, अगर आपके पास इन्फ्लेशन भी हो और एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल, फिर क्या होगा. अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इसका मतलब है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप जर्नल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट आउट नहीं कर सकते. जब आप नहीं मीट आउट कर सकेंगे तो वो जो इन्फ्लेशन यानी जर्नल राइज इन प्राइस हुआ है, यानी चीज़ें कमोडिटीज़ महंगी मिल रही हैं और आपके पास उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए परचेजिंग पावर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो इकॉनमी है वो रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी. और ये जो रिसेशन है अगर ये लॉन्ग एक्टिविटी में चलता रहे तो इकॉनमीज कलेप्स कर जाती हैं. फ्लेक्सिबल एंड विजिलेंट. फ्लेक्सिबल मींस के इसके अंदर जो है वो आप चेंज लेके आ सकते हैं, विजिलेंट दैट इज़ वेरी क्विक. फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी. मैंने आपको पहले भी मिनट से पहले भी बताया था कि फिस्कल और मॉनिटरी दोनों पॉलिसीज़ को यूज़ करके आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, विल अलाउ अस टू होल्ड द नैरो मिडल कोर्स. नैरो मिडल कोर्स कौन सा, वही जो मैंने पॉइंट बताया कि अबव और बिलो नहीं जाना बल्कि एक मिडल पॉइंट पर रहना है. और ये जो डिफिनेशन है जो है दैट इज़ कोटेड फ्रॉम द US प्रेसिडेंट, ने ये कोट की थी 1962. सो इसका मतलब यह है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमारी इकॉनमी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इन अ सेंस के आपकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहे एक मिडल पॉइंट पर, ना वो बिलो जाए ना वो अबव जाए, ना इन्फ्लेशन की तरफ मूव करे ना रिसेशन की तरफ मूव करे इकॉनमी, बट इकॉनमी शुड बी स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ स्टीडी एम्प्लॉयमेंट. देखिए यहाँ पर वर्ड जो यूज़ हुआ है वो स्टीडी हाई एम्प्लॉयमेंट यूज़ हुआ है, स्टीडी फुल एम्प्लॉयमेंट यूज़ नहीं हुआ है या हाई फुली एम्प्लॉयमेंट यूज़ नहीं हुआ स्टीडी, क्योंकि ये एक वो कोर्स है जिसको आप एकदम से ओवर द नाइट नहीं अचीव कर सकते. सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रही हूँ. अब इसी वो पब्लिक फाइनेंस की पहले डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रेसिडेंट. अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट और इसका स्कोप कहाँ कहाँ है.
Public finance is the study of income and expenditure of government at the central, state and local level. अगर आप याद करें थोड़ा सा बिट से पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें हमने डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे गवर्नमेंट के, डिफरेंट जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट के डिफरेंट आप कह लें कि लेवल्स होते हैं. सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर को ही स्टडी करता है, बट एट द गवर्नमेंट लेवल जिसमें सेंट्रल भी, स्टेट भी एंड लोकल, तीनों लेवल्स के ऊपर जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर की इन्फ्लुएंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ अ पब्लिक फाइनेंस. गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस इन कंट्रीज सच एज टू सप्लाई सर्टन पब्लिक और कलेक्टिव गुड विच इंडिविजुअल्स कैन नॉट और डू नॉट सिंगली परफॉर्म. मैक्रो लेवल पे जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम पब्लिक सप्लाईज जिसको इंडिविजुअली, बिकॉज आप इंडिविजुअलिटी में आप प्राइवेटली अपने तौर पे तो काम कर सकते हो बट यू आर नॉट बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी. बट गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गवर्नमेंट शुड बी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कलेक्टिवली एंड गवर्नमेंट शुड टेक दो स्टेप्स दैट वुड लीड टू द बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल सोसाइटी. कि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए, इंडिविजुअलिज्म के लिए, लेकिन कलेक्टिविज्म के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी स्टफ एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दोज गुड फॉर विच इट नीड रेवेन्यू. ठीक है, अब जब अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ प्रोवाइड करना है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड द एक्सपेंडिचर्स एंड हाउ द एक्सपेंडिचर्स कैन बी फुलफिल. एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द मीन ऑफ सर्टन रेवेन्यूज. सो पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमारे पास एक ब्रॉडर एक स्कोप प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि उसने देखना है कि आपने जब कलेक्टिव बेनिफिट्स को लोगों के देखना है तो इसका मतलब है आपने एक्सपेंसेस करने हैं एट द डिफरेंट लेवल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो वो एक्सपेंसेस आप करने के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू. ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नैरो सेंस, अब यहाँ दो पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया गया है. एक नैरो सेंस, नैरो सेंस मीन्स अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें, पब्लिक फाइनेंस इज डिफाइन एज स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम इसको सिर्फ सिंपली अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टडी को कहा जाता है. लेकिन अगर हम ब्रॉडरली देखें तो पब्लिक फाइनेंस डज नॉट डील ओनली विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट बट आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम एंड वेज ऑफ एक्सपेंडिचर. मतलब अगर हम इसको नैरो सेंस में इसको डिफाइन करेंगे तो इट्स ओनली द इनकम एंड एक्सपेंसेस. लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडरली देखेंगे तो हमने ये भी देखना है कि वो इनकम जो है वो आएगी कहाँ से और वो जो एक्सपेंसेस है वो हमने इनकर कैसे करने हैं. बट आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम एंड वेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, पब्लिक कंपनीज एंड कोसाई गवर्नमेंट वेंचर्स. कोसाई का मतलब होता है लाइकवाइज, कि इसी किस्म के, फॉर एग्जांपल जैसे हम गवर्नमेंट और पब्लिक कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं, इसी तरह के डिफरेंट गवर्नमेंट वेंचर्स जो इसी पैरामीटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं. अच्छा, पब्लिक फाइनेंस जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, वो कुछ कंपोनेंट्स हैं, चार पांच कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में क्या आ जाता है, वेजेस एंड सैलरीज. अब वेजेस और सैलरीज का डिफरेंस, बिकॉज यू पीपल आर इन द फोर्थ सेमेस्टर और एंड आई होप आपको पता होगा वेजेस जो है वो जब आप एक वाइड लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो आपके पास छोटे लेवल के ऊपर जो छोटे हमारे पास लेबर्स उन पर वेजेस डिवाइड होती हैं और सैलरीज जो है वो आपके पास हाई क्लास पीपल जो होते हैं. सब्सिडीज एंड ट्रांसफर. सब्सिडीज क्या है पहले आपको कॉन्सेप्ट होगा भी लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. सब्सिडीज है फाइनेंशियल सपोर्ट. किसी भी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने करनी है डेफिनेटली वो उसका एक्सपेंस है. अगर फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कह
کے حالات ہیں اور جس طرح ہماری اکانومی ایک دم اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، رک گئی ہے، کاروبار بند ہیں، بزنسز بند ہیں، تو وہاں پر گورنمنٹ نیڈ ٹو انکر سرٹن فائنینشیل سپورٹ ٹو دا پیپل اکارڈنگ ٹو دا ایمرجنٹ سچویشن. جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، ہماری جو ڈفرینٹ دو تین ہم نے کیس اسٹڈیز جیسے پڑھی تھی ایکسٹرا بجٹری فنڈ کے بارے میں جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ سبسڈیز ہیں جو کہ گورنمنٹ فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے ان ڈفرینٹ ٹائپ آف ایمرجنسیز، ٹھیک ہے، اینڈ ٹرانسفرز ایکسپینڈیچر آن گوڈس اینڈ سروسز سچ ایز انفراسٹرکچرز لائک روڈ، الیکٹریسٹی، ٹیلی کام، ہیومن کیپیٹل اکومولیشن لائک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، انٹرسٹ، ایکسپینڈیچر ایٹ ایکسٹرا. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکسپینسز ہیں جو کہ گورنمنٹ پبلک ویلفیئر کے لیے کرتی ہے. پبلک ریونیو، ڈفرینٹ سورس آف گورنمنٹ ریونیو ود میجر فوکس آن ٹیکس ریونیو، کہ ٹیکس کے ذریعے سے جو پیسہ اکٹھا کرتی ہے گورنمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں پبلک ریونیو. پبلک ڈیٹ، آفن پبلک ریونیو فالز شارٹ آف ایکسپینڈیچر اینڈ گورنمنٹ، جب آپ کے پاس ہو کہ ریونیو کم ہے اور ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ان ایکسپینسز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے بٹوین دا ایکسپینسز اینڈ ریونیو گورنمنٹ پھر کس کی طرف موو کرتی ہے؟ گورنمنٹ ول بی موو ٹوورڈ دا پبلک ڈیٹ اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو بورو فرام دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سورسز. فردر جب ہم کسی لیکچر میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے جو ہے وہ سورسز ہیں گورنمنٹ بوروئنگ کے یا پبلک ڈیٹ کے، اور ان سورسز کے انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل سورسز کے کچھ پروس اینڈ کونس بھی ہیں. کچھ اگر ہیولی آپ کے پاس ہم پبلک ڈیٹ کی طرف چلے جائیں تو اس میں بھی دیر آر سرٹن شارٹ کمنگس، جو پرابلمس ہیں جو ارائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہمارے پاس تین کمپوننٹ ہیں، دو اور ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. فرسٹ کمپوننٹ از اے پبلک ایکسپینڈیچر، پبلک ریونیو اینڈ پبلک ڈیٹ. فورتھ پوائنٹ ہے پبلک فائنینشیل ایڈمنسٹریشن. یہ ایک والٹر بیگھارٹ کا ایک ریمارک ہے، منی کین ناٹ مینیج اٹ سیلف. ٹھیک ہے، ایک فریز ہے کہ منی کین ناٹ مینیج اٹ سیلف، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو خود سے مینیج نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک پورا ایفیشنٹ، انرجیٹک اینڈ سائنٹیفک مینجمنٹ ہے یہ. جہاں پر ورڈ آپ کے پاس سائنس استعمال ہوتا ہے، سائنس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے پاس سسٹمیٹک اینڈ لاجیکل ڈویژن ہے، سو یہ آپ کے پاس ایک ایفیشنٹ، ایفیشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی ویسٹیج کم سے کم ہو، آپ لمیٹڈ ان پٹ کے ساتھ جب میکسیمم آؤٹ پٹ اچیو کر رہے ہوتے ہیں اٹ وڈ بی ایفیشنسی. انرجیٹک مینس وجیلنٹ، ٹھیک ہے، ورنلیبل ہو، جو کہ کوئک ہو، اینڈ سائنٹیفک مینجمنٹ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ریشنل نہیں ہے، آپ ہیپزنٹ کوئی بھی ڈسیزن نہیں لے سکتے، از ریکوائرڈ ٹو لک آفٹر دا پبلک ایکسپینڈیچر اینڈ پبلک ریونیو اینڈ پبلک ڈیٹ. اب کیا ہے، ہم نے پہلے بات کی کہ پبلک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، پھر ہم نے کہا جی پبلک ریونیو بھی ہے اینڈ پبلک ڈیٹ بھی ہے، بیکاز پبلک ایکسپینسز وہ ہیں جو کہ کرنے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر پیسہ کم پڑ جائے گا تو ہمیں بوروئنگ کرنا پڑے گی، لیکن اس پورے میکینزم کو، یہ پبلک ایکسپینسز، ریونیو اینڈ بوروئنگ کے میکینزم کو سائنٹیفکلی مینیج کرنے کا کو جو ہے وہ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. سو وٹ آر دا اتھارٹیز، انسٹیٹیوشنس، ایجنسیز ٹو لک آفٹر دا مینجمنٹ، کنٹرول اینڈ اسکرٹنائزنگ دا ورک کریٹڈ بائی دا گورنمنٹ. ہاؤ ڈو دے کیپ چیک آن دا یوز اینڈ مس یوز آف فنڈ. ٹھیک ہے، دیکھیں چیک اینڈ بیلنس اینڈ مونیٹرنگ اور کنٹرول نہیں ہوگا اگر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ورک آؤٹ نہیں کریں گی، آپ کے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کونسلز نہیں ہوں گی، آڈیٹنگ نہیں ہوگا، تو آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ پراپرلی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے ایک پبلک فائنینس کا میجر کمپوننٹ اور کانسٹیٹیوٹ ہے، دیٹ از اے فائنینشیل ایڈمنسٹریشن.
फोर्थ आपके पास है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम लॉन्गेटिविटी में और मैक्रो लेवल पर देखें और अगर हम देखें कि हमारी इकॉनमी लॉन्गेटिविटी में जो है वो इससे क्या बेनिफिट अचीव करती है, तो दैट बेनिफिट वुड बी स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ भी आपके पास एक पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई है. ग्रोथ भी आपके पास एक वो यूनिट है जो कि जस्ट डील विद अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिससे आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि 2 × 2 = 4, लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड उससे कितना अप हो रहा है, दैट डील विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो I'm adding the one point beside of writing this, कि economic stabilization, economic growth के साथ साथ economic development के ऊपर भी public finance का focus है. ठीक है, so maintaining the stability एंड प्रमोटिंग द बैलेंस सस्टेनेबल ग्रोथ. देखो बैलेंस सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो सिर्फ कैलकुलेटेड क्वान्टिटेटिव GNP GDPs को अचीव करके नहीं हासिल किया जा सकता, बल्कि कैसे अचीव होता है, बाय इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल टू. सो थ्रू द फंक्शन मेंशन्ड अबव इज अनदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, कि जो हमने बात की अबवली लाइक पब्लिक एक्सपेंसेस, पब्लिक रेवेन्यूज़ की बोरोइंग की बात की, फिर हमने कहा कि इसमें कोई ना कोई मनीटरिंग, कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. जब ये सब कुछ मैनेज होगा साइंटिफिकली, ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन भी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी. अच्छा, गवर्नमेंट के रोल से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं दोबारा से, कि अब तक जो हमने इन 14 to 15 minutes में जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस. ठीक है, जिसमें हमने डिफाइंड किया है पब्लिक फाइनेंस को, कि पब्लिक फाइनेंस इज़ द इट्स द लेवल दैट कैन कीप द मॉडरेट लेवल ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फ्रॉम द वेरी टू डिफरेंट पॉइंट्स बिलो एंड अबव. ना वो एक्सट्रीम पे है, ना वो बिलो है, ना वो जो है वो रिसेशन की तरफ बात करता है, ना वो इन्फ्लेशन की तरफ बात कर रहा है. और वो डेफिनेशन जो है वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द US प्रेजिडेंट जॉन एफ कैडनी ने 1962 में दी थी. फिर आपके पास जो है वो पब्लिक फाइनेंस जो है, अगर हम नैरो डाउन करें उसको, दैट इज़ द ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफिनेशन. लेकिन अगर हम उसको ब्रॉडली देखें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को अपने लिए तो मैनेज कर सकते हैं, बट कलेक्टिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमीज जो है वो आपके पास ओनली गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. और पब्लिक फाइनेंसिस को भी डील कर रहा है. दो हमने इसके स्कोप देखे हैं, फिर हमने इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूट्स पढ़े हैं, दैट इज़ अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये मैंने इसके साथ ही आपको थोड़ा सा समराइज और ओवरव्यू कर दिया है. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द, क्या है इसका रोल गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंस को लेके. सो दैट इज़ अ प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल अकोमोलेशन, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल पब्लिक गुड्स. ठीक है, प्रोविजन जो है दैट इज़ प्रोविजन मीन प्रोवाइड, कि फ्यूचर में आप जब लोगों को प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, एंड दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, को उसने प्रोवाइड करना है लोगों को जो भी इन फ्यूचर हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पीपल, फैसिलिटेटिंग एंड रेगुलेटिंग द प्राइवेट सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी रेगुलेट करना, उनको पॉलिसीज़ प्रोवाइड करना, लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना, उनको एक जुरिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करना, इनक्यूबेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग द पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज गवर्नमेंट खुद अकेली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सकती. पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलके जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ को ही फॉलो करते हुए, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी है, होमोजेनस सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, होमोजेनस रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है टू अचीव अ वन ऑब्जेक्टिव, वन कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव. सो विद द हेल्प ऑफ
certain type of the rules and regulation that is given to the private as well as the public sector, these are all to be the become the role of the government. ठीक है, the production of the individual liberties के जो आपके individuals हैं उनको लिबर्टी प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना और उनकी प्रोटेक्शन करना, ह्यूमन राइट्स जो है वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है. प्राइवेट राइट टू लैंड एंड कैपिटल के आप एक्वायर कर रहे हो कोई लैंड कोई कैपिटल तो उसके राइट्स को, गुड कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम मैंने बता दिए पहले, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, ये रोल जो हैं वो पहले भी मतलब ये कि जर्नल रोल्स हैं जो पहले भी आप लोगों ने को पता हैं. ठीक, अब विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी इन रोल्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, मतलब पहले तो हमने ये जर्नल रोल्स डिस्कस कर लिए, अब इन रोल्स को आप कंट्रोल या इन रोल कैसे गवर्नमेंट जो है इन रोल को प्ले कर रही है विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ पॉलिसीज, एक मैक्रो लेवल पॉलिसीज़ हैं और माइक्रो लेवल पॉलिसीज़ हैं. माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आपके पास सोशल इन्वेस्टमेंट, लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड कंपटीटिव पॉलिसी, यानी कि मार्केट लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करती हैं, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, कंजप्शन को कंट्रोल करती हैं, मनी को कंट्रोल करती हैं, दैट इज़ ऑन द माइक्रो लेवल. लेकिन जो मैक्रो लेवल है जो कि इंटर रिलेटेड हैं, जो कि एलेबरेटेड हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर डिपेंडेंट है ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दैट इज़ अ फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है गवर्नमेंट बजटिंग का, बिकॉज हम कॉन्टीन्यूसली टॉक कर रहे हैं अबाउट कि हमारे पास एक्सपेंसेस हैं जी, कुछ रेवेन्यू होना चाहिए, कुछ इनकम है, कुछ एक्सपेंसेस है, इसी के बैलेंस को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं. हेयर द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो बजटिंग का वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये फिनोमेना एकदम से इवॉल्व नहीं हो गया, ये एकदम से मर्ज नहीं हुआ, बल्कि ये कॉन्सेप्ट आया. अब एक ऐसे तो नहीं है कि कोई एक आप ऐसे आपको एक रात को ख्वाब आया और पता चला कि जी उसमें बजट इज़ समथिंग, नो, इट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ अ बैग, इसको बैग ही पढ़ेंगे, दैट इज़ अ लैटिन वर्ड एंड फ्रेंच वर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स स्मॉल लेदर बैग, जैसे एक लेदर के मशकीज़े होते थे दैट वुड बी यूज टू कंटेन द वाटर, आर्म्स जो फोर्सेज हैं वो पानी को, इसे पानी का मशकीज़ा कहते हैं, इसका ये मतलब है. सो बजट प्रोविजन इनिशियली इंट्रोड्यूस इन यूके, ये एक्चुअली बजट जो है वो का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ से था, यूके से हुआ था इन 1733, चांसलर ऑफ एक्सचेकर वॉलपोल एक जगह है. ठीक है, ये एक पूरा फैमिली ओरिजिन है ऑफ यूके का. इधर के जो एक्सचेकर हैं, एक्सचेकर कौन है, ट्रेयरी को क्या कहते हैं, एक्सचेकर. सो वैलपोल के जो ट्रेयरी थे, ट्रेयर था, उसके जो चांसलर हैं उन्होंने 1733 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था. कैसे इंट्रोड्यूस कराया था, ये केम विद अ लेदर बैग, एक लेदर बैग था इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में एक लेदर बैग के साथ एंटर हुए और उसमें से उन्होंने एक एनुअल स्टेटमेंट निकाली जिसके ऊपर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो राइट डाउन थे. वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो आया था बजट का. एंड व्हेन ही ओपन बैग, जब उन्होंने यानी एक बैग, एक जो है वो ट्रेजरर वैलपोल से एक चांसलर आए थे जिसके पास एक लेदर बैग था जिसमें उन्होंने एनुअल स्टेटमेंट रखी हुई थी जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे हुए थे. वहाँ से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि ये जो है वो बजट लेकर आए. सो द टर्म बजट बिकम पॉपुलर और वहाँ से जो है ये वर्ड जो है वो पॉपुलर हो गया था. इन नेपाल इट वॉज 21 मार्च 2008 बजट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट ऑफ देन पी एम मैट्रिका परासाद कोरेला. ठीक है, एवरी ईयर बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. बजट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंप्राइजिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर. उसके बाद से जो है वो हर साल बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया. और बजट होता क्या है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंप्राइजिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. इट इज़ बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ मिरर टू लुक इन टू डिवेलपमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. Which set framework of for the policy
For policy formulation and implementation, the budget document is the good source of public information on the past activity, current decision, and future perspective. पहले भी ये इस चीज़ को हम बहुत elaborately मिड से पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो बजट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास गुड सोर्स है, नॉट ओनली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने करंट डिसीजन लेती है, और ऑन द जो भी आपके पास रेक्टिफिकेशन है, कोई भी एरर्स हैं, वो तमाम एंटिसिपेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव. सो गुड बजट डॉक्यूमेंट कंटेन कुछ इसके एलिमेंट हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं. ओवरऑल डेवलपमेंट पॉलिसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पॉलिसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोरोइंग्स एंड पॉलिसीज, वेदर बजट इज़ डेफिसिट और सरप्लस एंड हाउ इज डेफिसिट कवर्ड एंड सरप्लस डिस्पोज्ड ऑफ, एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर एंड एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ये कुछ कह लें कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ चीज़ें हैं जो हमने गुड बजट में एड्रेस करने चाहिए. सो द मेन कंपोनेंट ऑफ बजट आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, ये पहले रिपीटेड है. द एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स ऑन द पर्सनल पर्सनल कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज एंड रेंट, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन, सप्लाइज एंड मटीरियल्स, इक्विपमेंट, ग्रांट, सब्सिडीज, कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड इंडेमनिटीज एंड रिबर्सिबल्स. इसमें से जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल्स हैं. लास्ट टू टर्म्स का मैं बता देती हूँ. इंडेमनिटीज आपके पास होती हैं, दैट इज़ द सिक्योरिटीज फ्रॉम द डैमेज. एंड रिमर्सिबल्स का मतलब है कि वो पैसा जो आप पहले लगा लो और उसके बाद आपको बाद में रिबर्स किया जाए. ठीक है, ये जितने भी आपके पास एक्सपेंडिचर हैं वो आपके पास हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. ठीक, तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ फंक्शनल. फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जर्नल पब्लिक सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज. द जर्नल पब्लिक सर्विसेज इंक्लूड, अब इसमें समझाने वाली चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एलेबोरेट करके एग्जांपल आपको दे दी हैं कि जर्नल पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या है. एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, हाउसिंग, कम्युनिटी एमिनिटीज एंड अदर कम्युनिटी सोशल सर्विसेज. लाइकवाइज इकोनॉमिक सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट एंड सो ऑन. थर्ड इज इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, दैट इज कंसिस्ट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट. करंट एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड एंड सर्विसेज सच एज वेज एंड सैलरीज. करंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, हर हाल में आपको करने ही करने होते हैं, जो कि आपके पास करंटली चल रहे होते हैं. लाइक आपको सैलरी भी देनी है, वेज भी देना है, अदर परचेज ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एंड अदर करंट ट्रांसफर. मीन्स इनको आप डेफर्ड नहीं कर सकते, जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, और आपको वो करंटली करना ही होता है. वो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं करंट एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट. लाइक आपने कुछ परचेज करना है, कोई लैंड है, एक्विजिशन है, इंटेंजिबल एसेट है, कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, वो सारे क्या हैं, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट बजटिंग में आपके पास कुछ रेवेन्यूज़ भी हैं, बिकॉज हमने पहले जो बात कर ली है वो एक्सपेंसेस की बात की, अब हम रेवेन्यू की बात करते हैं. रेवेन्यू आपके पास टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है. टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. द प्रीमियर डायरेक्ट टैक्स आर ऑन नेट इनकम, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन. जो आपके पास प्राइमरी डायरेक्ट टैक्स है वो आपके पास उस नेट इनकम के ऊपर लिवाइड किया जाता है
जो कि आपके पास जो है वो कैलकुलेटेड होती है। मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक वैट। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और उस प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए वो वैल्यू ऐड कर रही है, वो जिस भी लेवल पर वैल्यू ऐड करेगी उसको वो इनडायरेक्टली चार्ज करेगी किससे, कस्टमर से। ठीक है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए जो वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह आपके पास जितनी भी एक्साइज टैक्सेस हैं वो भी, टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो आपकी इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो भी आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो आपके पास इनडायरेक्ट क्यों हैं, क्योंकि वो प्राइस की फॉर्म में चार्ज कर ली जाती हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे इम्पोर्टेड आइटम है, इम्पोर्टेड आइटम की प्राइजेज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो वो टैक्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपके पास ज़्यादा चार्ज किए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक लोकल एनवायरनमेंट की बाउंड्री से बाहर होते हैं। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, फाइन, पेनल्टीज़, रॉयल्टीज़, ये जो चलान होते हैं, ये आपके जो टूल टैक्सेस हैं, ये तमाम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं जो कि डायरेक्ट आपके पास कमोडिटीज़ पे नहीं हैं, लेकिन फाइन फीस और पेनल्टीज़ और रॉयल्टीज़ के फॉर्म में अचीव किए जा रहे हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सबसे यानी कि एक बजट को कैसा होना चाहिए, क्लोज टू रियलिटी, डेफिनेटली इट वुड बी द रियलिस्टिक। हम बेशक एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है लेकिन बेस्ड अपॉन रियलिटी, मीन्स हमने पहले भी बात की थी कि ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एस्टिमेट करके किया जा रहा होता है और वो डेफिनेटली वो रियलिटी है, वो फैक्ट्स के ऊपर बात की जा रही होती है, सिंपल एंड एब्वियस हैं। सिंस दिस इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट सो एवरी वन बी इंटरेस्टेड के क्या क्या है बजट, सो सिंपल होगा तो इस लोगों को समझ आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट आर देयर बट आल्सो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पॉलिसी जब चेंज करना पड़े, जैसे इकॉनमी कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि करंटली देखें चेंज है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने जैसे टैक्सेस को फौरी तौर पर, आपने अगर देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस आपने देखा होगा मीडिया के साथ, तो उन्होंने यही किया है कि वो कुछ टैक्सेस को कम किया है, तो वो क्या है, दैट इज़ अ फ्लैक्सीबिलिटी। एमरजेंट के केसेस के अंदर सिचुएशंस को देखते हुए फ्लैक्सीबिलिटी लाना पड़ती है, सो दैट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द फ्लैक्सीबिलिटी। सिंगल फंड, अ सिंगल फंड ऑफ गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश देयर फॉर ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक्सटेंसिव होना चाहिए, शुड बी इन डिटेल अबाउट ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मीन्स के आपके पास जो है वो डिटेल हो। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब ये है कि हर किसी का राइट है कि उसके ऊपर कमेंट कर सके, उसके बारे में पढ़ सके, उसके ऊपर बात कर सके। एनुअलिटी का मतलब है कि प्रिपेयर फॉर द वन फिस्कल ईयर। अब दो तरह के आपके पास जो है वो हैं, एक बैलेंस बजट प्रिंसिपल और अनबैलेंस, मतलब कि किन असूलों पर। बैलेंस बजट का समझ आता है कि जिसमें आपके पास एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम की स्टेज हो। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ओपाइन, ओपाइन मीन्स ओपिनियन, ओपिनियन है उनका, दैट आगू करते हैं वो दैट गवर्नमेंट बजट शुड बी बैलेंस, दैट balance that means expenditure should be equal to revenue. If not followed, either government has to borrow internally and externally.